ये जो रियल माद्रिद फैन बॉयज दो दिन पहले कह रहे थे ना कि भाई बार्सिलोना ने रेफरीज को पे किया है, बार्सिलोना खुद जीत ही नहीं पाता और बहुत कुछ, वो अभी चुप होने वाले हैं क्योंकि बार्सिलोना ने आज बॉम्ब फोड़ा है लिटरली, क्योंकि तेबास जो ला लिगा के प्रेसिडेंट है तुम सबको पता है राइट, वो कितने बड़े माद्रिद सपोर्टर है, मतलब वो कोई मौका नहीं छोड़ते बार्सिलोना को बदनाम करने का। तो भाई केस कुछ ऐसा है कि इतने दिन जो तुम सुन रहे थे नेग्रेरा केस, उसका जो एविडेंस तेवाज ने स्पेनिश प्रोसिक्यूटर्स को दिया था वो पूरा ही फेक था। इवन बार्सिलोना ने खुद एक स्टेटमेंट रिलीज किया है इसके रिगार्डिंग, उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये सुन लो। तेवाज ने स्पेनिश प्रोसिक्यूटर्स को बताया था कि जो एविडेंस वो दे रहे हैं बार्सिलोना के खिलाफ वो उनको फॉर्मर बार्सा बोर्ड मेंबर के घर से मिला है, वो भी रिसेंटली, उन्होंने बोला था रिसेंटली। और प्रोसिक्यूटर्स ने वो डॉक्यूमेंट चेक करके देखा कि भाई वो दो डिकेड मतलब 20 साल पुराना है। तो इसके रिगार्डिंग बार्सिलोना ने जो पोस्ट किया है वो मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आपको अगर जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना जाके। तो बार्सिलोना का डिमांड है कि तेवास को तो पहले पब्लिक के सामने आके एक एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, और ये हरकतें वो बहुत पहले से कर रहे हैं बार्सिलोना का इमेज खराब करने के लिए। और सिंपल सी बात है, वो चाहते हैं तेवास को रिजाइन कर देना चाहिए ला लिगा के प्रेसिडेंट पद से। तो भाई अभी तो मजा आने वाला है ये सीन देखने में, और तेवास का रिप्लाई क्या आएगा वो देखने में। ये वीडियो उनको भेजो जो बार्सिलोना के ऊपर फालतू में क्लेम कर रहे थे कि बार्सिलोना ने रेफरीज को पे किया है। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इतना शॉर्ट में फुटबॉल न्यूज़ तुम्हें कोई और नहीं देगा। तो फिर से मिलेंगे, बाय।